दोस्तों आज आप भी गुरु माँ की बात सुनकर रोने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गुरु माँ ने कर दी आज अपने ही मृत्यु की भविष्यवाणी। इस भविष्यवाणी को सुनकर महाराज अनिरुद्धाचार्य के साथ पूरा पंडाल में मातम छा गया। तो दोस्तों आखिर क्या है इसकी पूरी सच्चाई और साथ ही जानकारी भी बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया के मशहूर महान कथावाचक महाराज अनिरुद्धाचार्य जी की पत्नी गुरु माँ को तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, और महाराज अनिरुद्धाचार्य जी अपनी पत्नी गुरु माँ से कितना प्रेम करते हैं यह तो आप सभी जानते हैं। इसलिए अक्सर गुरु माँ को महाराज अनिरुद्धाचार्य के साथ पंडाल में कथा के दौरान देखा जाता है और कई बार गुरु माँ महाराज अनिरुद्धाचार्य के भजन में इतनी ज़्यादा मगन हो जाती हैं कि वह पंडाल में सबके सामने झूमने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बार महाराज अनिरुद्धाचार्य जी बहुत ही ज़्यादा निराश है। दरअसल दोस्तों गुरु माँ ने की अपने बारे में ऐसी भविष्यवाणी जिसे सुनकर महाराज अनिरुद्धाचार्य के आंसू रुक नहीं रहे और महाराज अनिरुद्धाचार्य फूट फूट कर रो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कथा के दौरान गुरु माँ ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की। जी हाँ दोस्तों, गुरु माँ ने कहा मेरा जीवन चक्र बहुत छोटा है, मेरी मृत्यु मेरे नज़दीक है। जी हाँ दोस्तों, जब गुरु माँ ने ऐसा कहा तो महाराज अनिरुद्धाचार्य अपने आप को रोक नहीं पाए और वह भावुक हो गए और उनकी आंखों में से आंसू आने लगे। जी हाँ दोस्तों, गुरु माँ ने कहा संसार में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे एक दिन ईश्वर के पास वापस जाना है, इसलिए हमें मृत्यु को लेकर कभी भी डरना और घबराना नहीं चाहिए। संसार में रहकर जितना हो सके ईश्वर को प्रसन्न रखें, अच्छे कर्म करें और स्वर्ग जाने की तैयारी करें। इसी भविष्यवाणी को सुनकर पंडाल में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन गुरु माँ के समझाने पर लोग समझ गए। तो दोस्तों क्या गुरु माँ की भविष्यवाणी सच होगी या फिर नहीं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखकर जरूर बताएं। साथ ही आज की वीडियो में बस फिलहाल इतना ही। अगर आप भी गुरु माँ को बचाना चाहते हैं और उन्हें लंबी उम्र देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आप भी महाराज अनिरुद्धाचार्य को गुरु मानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे तो लिख ही देना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप दे मुझे आज्ञा। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे भक्तों।